स्वागत है आपका मिनी सही एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। लटेरी की खैरखेड़ी पठार गांव में बोरवेल में गिरी बच्ची को बचाने युद्ध स्तर पर प्रयास जारी रहे, पहुंची कलेक्टर। सिटी कोतवाली के सामने मेन रोड पर काफी देर तक पड़ा रहा एक व्यक्ति, कोई नहीं ले रहा था उसकी सुध। पुरानी नगर पालिका परिसर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह ने कहा योजना के तहत हुए विवाह संपन्न, भाजपा के वरिष्ठ नेता हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। ग्राम बामनखेड़ा से किसान जन सुनवाई में आए। उन्होंने बताया कि ग्राम में हलाली डैम से नहर में पानी छोड़ा गया है, लेकिन कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिससे करीब 8 से 10 किसानों के खेतों में पानी भर रहा है और फसलें खराब हो रही हैं। किसानों ने बताया कि करीब 10 से 15 बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित किसानों ने आज फिर से जन सुनवाई में अपनी समस्या प्रकट की। अहबाजी कहाँ से आए हैं? बामन खड़ा से। क्या समस्या लेकर आए? समस्या सर सिंचाई विभाग की है, जो सिंचाई के अतिक्रमण होने के कारण फसलों में पानी भरता है। जैसे कई बार 181 और जन सुनवाई में आवेदन दिया। पानी काय का छोड़ा है? पानी हलाली डैम से सिंचाई के लिए आता है, जिस पे अतिक्रमण होगा फुर जाने के कारण नीचे ले जाता है, नीचे किसान सिंचाई के लिए लाते हैं वो बीच में। तो ऐसे कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? सर ऐसे 8-10 किसान हैं तो इसके प्रभावित हैं। और कितनी शिकायतें कर चुके हैं आप उनको? सर मैं 3-4 बार जन सुनवाई में दे चुका हूँ और 3-4 181 पे हो गई। विदिशा के खेल स्टेडियम में 4 जिलों के ग्रामीण बच्चे खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सम्मिलित हुए। इस संबंध में आयोजक ने दी जानकारी। रमण जी, ये जो आज विदिशा स्टेडियम में जो खेल चल रहे हैं, ये किन समाज के बच्चों के हैं? ये जो डिनोटिफाइड ट्राइब समुदाय, विमुख समुदाय, विदिशा जिला और उसके आसपास के 4 जिला हैं, जैसे गुना, सागर, रायसेन, भोपाल, राजगढ़ से भी बच्चा है खेलने के लिए। तो इसमें लगभग कितने टोटल? 150 बच्चा है टोटल खेलने के लिए। इनका मुख्य क्या उद्देश्य, किस धारा से जोड़ने का उद्देश्य? उद्देश्य ये है कि जो बच्चे में गांव में बच्चों को खेलने का तो मन है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ाने के लिए। एक मंच पे आए जो प्रोफेशनल गेम कैसे खेल सकते हैं, एथलेटिक्स गेम हो गया, कबड्डी हो गया, वो कैसे कर सकते हैं बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ाने के लिए। और जैसे हम आपको पता है कि खेलो इंडिया वगैरह चल रहे हैं, वो सारे कॉम्पिटिशन में कैसे गाँव से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारा प्रयास है। शमसाबाद तहसील की ग्राम सिंगाखेड़ी का रहने वाला रामबाबू कुशवाहा, उम्र लगभग 35 वर्ष, जिसे गंभीर बीमारी हो जाने से उसके दोनों पैर कट गए थे, आज जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन से 3 पहिया वाहन की उम्मीद को लेकर आया, लेकिन मुख्यालय पर कोई वरिष्ठ अधिकारी न मिलने से उदास होकर घंटों बैठा रहा। जरूरत है ऐसे जरूरतमंदों के लिए सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा तत्काल संसाधन उपलब्ध कराने की। देख रहे हैं बहुत बड़ा मामला है,
पहले भी आओ, पहले भी नन्नू फोन कर दा कल भैया हम गाड़ी दे रहे थे कल वो हीट का जूस नहीं दे रहा। राम बाबू कुशवाहा। कहाँ रहते हैं आप? सिंगरखेड़। कहाँ पर पड़ती है जी? थाना पंचायत के बगल। ये पैर कैसे आपको खराब हो गए जी? मैं थोड़ी सर नशा तेज करता हूँ इसलिए जी। नशा करता हूँ। कितने दिन हो गए? बचपन से। बचपन से क्या का नशा किया था आपने जी? बीड़ी गांजा। कैसे क्या मतलब क्या क्या हुआ क्या था जी? पैर गल गए थे। अच्छा पैर गल गए थे जी। कितने साल हो गए होंगे जी? 5-1 साल। 5 साल। तो अब क्या चाहते हैं आप? किस तरीके की उम्मीद सरकार से लगी है, प्रशासन से लगी है? कैसे दे रहे हैं वो मतलब घाटी नहीं चढ़े तो घाटी चढ़ा जाओ करो। परिवार में और कौन कौन है आपके जी? सर परिवार आई। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मतलब नवीस है। कितने बेटे हैं? पत्नी कौन नहीं है? पत्नी है शारदा भाई। अच्छा कितने बच्चे हैं आपके? मेरे हैं मतलब एक नवीस नाम का बड़ा ही बड़ा हैगा और रानी नाम की छोटी। तो केवल वाहन केवल ऐसे गाड़ी चाहिए आपको? गाड़ी मिल जाए जी। और क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता हूँ सर, मैं मतलब वहीं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती खुद की है कि और की है? नहीं मेरे पिताजी की। कितनी बीघा है? 15-20। विदिशा करिए खेड़ा रोड पर अरुण लोधी की शॉप प्रियांशी मेडिकल स्टोर का फीता काटकर शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, मीडिया प्रभारी सुनील साहू, पार्षद चंद्रपाल, दिलीप साहू सहित वार्ड के लोग उपस्थित रहे। विदिशा जिले की लटेरी तहसील की खैरखेड़ी पठार गांव में कच्चे बोरवेल में गिरे 7 वर्षीय बालक की सकुशल निकालने के लिए जिला प्रशासन का दल युद्ध स्तर पर प्रयास करते नजर आया। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित बचाव दल और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। घटना प्रातः 11 बजे की बताई गई है। बालक लोकेश अहिरवार बंदरों का पीछा करते हुए बोरवेल में गिर गया। प्रशासन ने तत्काल बचाव कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। बोर में अंधेरे में देखने वाले नाइट विजन कैमरे को भी पहुंचाया गया। कैमरा बच्चे की गतिविधि की जानकारी देता रहा। रेस्क्यू चल रहा है, ये आपके सामने है, आप स्वतः भी इसको देख रहे हैं। ये लगभग 11 बजे की घटना है और जैसे ही चूंकि ये शहर से थोड़ा दूर है, इधर गांव में है, जैसे ही सूचना मिली तत्काल यहाँ के जो लोकल SDM साहब हैं उन्होंने तुरंत व्यवस्था की। 11:30 बजे हमने ऑक्सीजन देना बच्चे को चालू कर दिया था। यहाँ पर नाइट विजन कैमरा हमको अवेलेबल हो गया था, नाइट विजन कैमरे से हमने बच्चे की गतिविधि देखी, आपको फोटो दिखा देंगे अभी, और उससे उसका पूरा पिक्चर भी आ रही है। 43 फीट, ये 60 फीट लगभग 11 घंटा है, 43 फीट पर बच्चा भी है, लेकिन इसमें केसिन नहीं है। तो उसके कारण क्या है कि हम एक सेफ डिस्टेंस से लगातार 2-3 घंटा बोल रहे हैं ताकि धमक से मिट्टी नहीं चली जाए, और लगातार हम ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगातार हम दे रहे हैं बच्चे को, और कैमरे से भी उनकी जो गतिविधि है उसको हम बात कर रहे हैं बच्चे को, और हम कोशिश करेंगे कि देर शाम तक हम इस रेस्क्यू को कैसे करके हम समाप्त। सर पूरे मध्य प्रदेश
देखिए दो तीन चीजें हमने सभी को सजेस्ट की है, लगातार न्यूज पेपर के माध्यम से सबसे अनुरोध भी करते हैं कि कृपया करके उसको कैप से बंद करें, बच्चा कट्टा है तो उसको बड़े मोटे पत्थर से बंद करें, सभी अनुरोध करते हैं। ये भी देखिए प्राइवेट खेत है और जो ऑनर है जिनका खेत है बच्चा भी उन्हीं का है। विदिशा के ऑडिटोरियम में एक दिवसीय जिला स्तरीय लाडली बहना फार्म के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अलग अलग संस्थानों के अलग अलग संस्थाओं के प्रमुख उपस्थित रहे। तीनों चीजें यहाँ पर दिखाएगा आपको, ईकेवाईसी की स्थिति भी दिखाएगा, बैंक खाते से आधार लिंक है या नहीं वो भी दिखाएगा। यहाँ लिखा हुआ है जैसे ईकेवाईसी तो उसमें से 20 महिला ऐसी जिनकी ईकेवाईसी नहीं हुई तो आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, वो भटकती रहेगी, दूसरे दिन भी वो आएगी आपका झगड़ा करेगी ये करेगी तो पूरा दिन खराब भी हो जाएगा, आपका काम भी नहीं। आधार में कोई दूसरा व्यक्ति है और यहाँ जाके कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो रिजेक्ट कर लेगा, वो मैच नहीं होगा। वैसे हमारी संपूर्ण जानकारी देगा, आगे बढ़ेगा क्लिक करें, ये सारी जानकारी देगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में इंदिरा कॉम्प्लेक्स के माता उद्यान के सामने वाली रोड का निर्माण आरसीसी द्वारा होगा, जहां उसकी नपती का कार्य प्रारंभ हुआ है। इस संबंध में वार्ड 25 के पार्षद प्रतिनिधि तीरथ प्रताप सिंह ने दी जानकारी। विदिशा सिटी कोतवाली मेन रोड पर एक युवक सड़क पर लेटा हुआ नजर आया, कुछ मेडिसिंस उसके पास थी। पर्ची पर रघुवीर अहिरवार नाम लिखा हुआ है, टीवी का पेशेंट बताया गया है, कोतवाली के सामने घंटों पड़ा रहा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना द्वारा सामूहिक सम्मेलन का आयोजन विदिशा की पुरानी नगरपालिका परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें 10 कन्या विवाह और 4 निकाह संपन्न हुए। कार्यक्रम में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, नगरपालिका सामाजिक विभाग सहित पार्षदगण उपस्थित रहे। हमारे मध्य प्रदेश के सभी बेटी बेटियों का भी यह हक है कि उनकी शादी धूमधाम से हो, गरीब की बेटी की भी शादी धूमधाम से हो, गरीब की बेटी की भी शादी धूमधाम से हो, इसलिए ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रारंभ की। आज हजारों लोग सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं, सब हमारे मतलब पत्नियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर घर से शादी होती तो ऐसा होता है, ये नेता बैठे हुए हैं सर, घर से अगर हमारे यहाँ भी किसी बच्चे की शादी करें तो नेता बोल जाए, अधिकारी बोल जाए, ये सारा प्रशासन लगाए। आप लोग को सौभाग्य शादी अगर बनाया तो शिवराज सिंह चौहान ने बनाया, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाया। आज मुख्य कई लाभों
महिलाओं का कन्यादान करने का जो संकल्प किया है और साल में कई बार विवाह का आयोजन करवाते हैं, ऐसे संवेदनशील लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबसे चाहूँगा कि आप लोग काली बजा के हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रेषित करें, इसी तरह के आयोजन हमारे प्रभु भाई और जिनने विवाह संपन्न करवाए, आदरणीय पंडित परशुराम शर्मा जी, आदरणीय हमारी उपस्थित सभी पीछे बैठे हुए नीलम नंदी, आदरणीय पी के मिश्रा जी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, नगर पालिका के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी साथीगण उपस्थित इन आयोजनों में सम्मिलित सभी भाइयों बहनों, आप कल्पना करो कि एक विवाह अधिकारी प्रभारी सीएमओ आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पीछे नगर पालिका परिषद में? आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन निकाय स्तर पर किया गया था। कितने जोड़े और कितने निकाह शामिल? इसमें टोटल 14 जोड़े थे, जिसमें से 10 विवाह थी और 4 निकाह थे। इसमें जोड़ों को 38,000 की सामग्री दी गई है और 11,000 रुपये उनके खाते में अंतरित किए गए हैं। सामग्री में अलमीरा, पलंग, बर्तन, टेबल फैन और गृहस्थी के अन्य सामान और जेवर दिए गए हैं। ताज़ातरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एनटी न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। इतना ही, शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर एंट्री न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर सबसे।